अनोखी शादी की हैरान करने वाली तस्वीर। दो जानवरों की शादी में सैकड़ों पराती। हिंदू रीति रिवाज से परिणय सूत्र में बंधे कोल्हू और बसंती। बैंड बाजा बाराती, यहां सब कुछ है, लेकिन ये शादी किसी इंसान की नहीं बल्कि दो जानवरों की है। मोतिहारी के मझुरा गांव में हुई अनोखी शादी आजकल चर्चा में है। इस शादी के चर्चा में होने की खास वजह है। दरअसल यहां एक कुत्ते और कुतिया की शादी कराई गई। इसमें सबसे खास बात ये कि इस शादी में पूरे हिंदू रीति रिवाज का भी ख्याल रखा गया। शादी के लिए मंडप भी बना, बारातियों के लिए खाने पीने तक के इंतजाम किए गए थे। क्या होता शादी होता, प्रेरणा अपने के कहाँ से मिल लगी कर शादी करावे के? हम कुछ सोचे थे, हमको अच्छा हुआ, मंशा पूरा हुआ था। हम सोचे क्या मंशा था आपकी? मंशा था मेरा बच्चों लोग के, बच्चा लोग के कुछ हमको अच्छे थे। मतलब आपके बच्चे का क्या करना था जो मंशा आपकी पूरी हुई? बच्चा लोग के हम जो सोचे से पूरा हो गया। अच्छा। तो हम भैरव भैया मानते हैं। अच्छा। भैरव जी, तो हम सोचे इनका शादी करा देते हैं। उसके बाद हम अगले साल आमा महुआ का शादी करेंगे, तुलसी का शादी करेंगे, उसके बाद अपने बच्चों लोग का शादी करेंगे। तो पहले हम भैरव भैया से शुरुआत किए हैं। जिस कुत्ते की शादी हुई उसका नाम कोल्हू है और कुतिया का नाम बसंती। इनकी शादी में बैंड बाजा और डीजे का भी इंतजाम किया गया था। शादी में 400 लोग पहुंचे थे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की शादी उन्होंने पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। शादी हो रही है जी? किसकी शादी हो रही है? ये मेरे गांव का सिस्टर लगेगी। शादी किसका किया जा रहा है? ये कुत्ता और कुतिया का। कुत्ता कुतिया का शादी जी, शास्त्र के हिसाब से। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? मैंने कभी देखा नहीं था। मेरे पूर्वजों ने आज तक नहीं बोला था कि कुत्ता और कुतिया का शादी संपन्न हुआ है। आम महुआ का विवाह जो हुआ था वो देख मैंने सुने थे, देखे तो नहीं थे। तुलसी जी का शादी हुआ था ये भी देखे थे, वो अलग की बात है। लेकिन ये कुत्ता कुतिया का जो शादी है ये फर्स्ट बार मैं देख रहा हूँ, मेरे दरवाजे पर ही हो रही है। शादी कराने वाले पंडित धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि कुत्ते और कुतिया की शादी सभी को कराना चाहिए क्योंकि ये भैरव का रूप होते हैं और इस तरह की शादी कराने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये पूजा भैरव बाबा का हो रहा है। भैरव बाबा का जी। अच्छा, तो आप लड़का पक्ष से या लड़की पक्ष से? लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों पक्ष का हम लोग मिलकर कर रहे हैं। तो क्या मतलब, क्या आपके दिमाग में ऐसा सूझा कि आप इस तरह का विचार? भैरव बाबा का मांग है, हमारे यहाँ कुछ मनौता है इसीलिए। अच्छा, मनौता है इसलिए आप कर रहे हैं। अच्छा, ये ख्याल कब आया? ख्याल आया कहीं इसी तरह गए घूमने, कोई आशीर्वाद दिया, वो मनौता दिया कि ऐसे आपको करना होगा। किसी ने कहा कि आपको इस तरह की शादी करानी चाहिए, तो आप करा रहे हैं जी। तो ये सारा विधिवत जिस तरह से शादी होती है वैसे करा रहे हैं? जैसे आपको मनुष्य का शादी जिस विधिवत से होता है उसी तरह भी हमको कर रहे हैं। वो भी आप करा रहे हैं। जो भी हो, लेकिन आस्था अंधविश्वास से अलग ये शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके वीडियोस जमकर वायरल हो रहे हैं। रणजीत कुमार, न्यूज़ लाइफ, मोतिहारी।